बात कही जा रही है कि मोर आंसू पीता है और ये सारी चीज़ें क्या है, ये सच्चाई है कोई? देखिए, मैं तो मोर की बायोलॉजी के बारे में बात कर सकता हूँ, आंसू पीने की बात तो बायोलॉजी बिल्कुल नहीं बोलता। और एग लेइंग के लिए किसी भी बर्ड में कॉपुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको मेटिंग कहते हैं, उसके बिना ये संभव नहीं होता। मोर अपने फेदर को, बड़े फेदर को, टेल फेदर को दिखा के डांस करता है, बहुत सारे फीमेल मतलब पीहेन को अट्रैक्ट करता है, फिर कॉपुलेशन होता है। और आप सोचे 6 से 8 अंडे ये देता है, फिर कोई 27 से 28 दिन इनक्यूबेशन के बाद चूजे उससे निकलते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया हैं, ब्रीडिंग इकोलॉजी है मोर की। लेकिन जैसे ये बोला जा रहा है, इस तरीके की बातें जो है बोली जा रही हैं, जस्सा भी बोल दिया उसने, तो इस बारे में क्या कहना है, क्या उनको कुछ जानकारी नहीं? तो विज्ञान की बात तो विज्ञान के ढंग से हम देखते हैं, और विज्ञान यही कहता है जो हमारा अनुभव है। जीव विज्ञान पर काम करते हुए काफ़ी अच्छा हो गया, और जो हमने देखा है, पढ़ा है और जो अध्ययन किया है, वो यही है कि बिना कॉपुलेशन के, बिना ब्रीडिंग के, एग लेइंग बर्ड में नहीं होती। और हमने कॉपुलेट करते हुए देखा है, और जैसा हमने बताया कि कॉपुलेशन के बाद 6 से 8 अंडे देती है, और उसको मादा कोई 27-28 दिन इनक्यूबेट करती है, फिर वो चूजे निकलते हैं। अच्छा, ये मोर जो है नाचता है कि मोरनी नाचती है? मोर नाचता है, और वो मोर नाचकर मोरनियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और इसका क्या पीरियड होता है प्रजनन का, किस तरीके से, क्या क्या प्रोसेस होता है? एक्चुअली अक्सर हाँ देखिएगा, ऐसे तो थ्रू द ईयर होता है इस बर्ड में देखेंगे, लेकिन अभी जो समय चल रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्री मानसून ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ज़्यादा अभी ज़्यादा तेज़ होता है, अभी पीक पे होता है कह सकते हैं। ऐसे थ्रू द ईयर आप देख सकते हैं ये ब्रीडिंग का, इनका इसमें बेसिकली आप देखेंगे एक पूरी प्रक्रिया है कि कैसे मेल नाचता है और 2-3 मादाओं को आकर्षित करता है और दिखाता है, और इसी से नेचुरल सिलेक्शन को भी ये प्रभावित करता है। अगर जिसका टेल फेदर बहुत बड़ा है तो वो मेल प्रेफर्ड होता है फीमेल के लिए, क्योंकि ऐसा ये जेनेटिक, जो अच्छे जेनेटिक मेकअप के चिक्स आएंगे, चूजे आएंगे, उसके लिए ज़रूरी है जानना कि मेल रोबस्ट कितना है, मजबूत कितना है, और उसका उसकी पहचान है कि उसके पंख कितने सुंदर हैं और कितने बड़े हैं। अच्छा, ये जैसे मोर जो है जब बारिश होती है तब नाचता है ऐसा कहा जाता है, या बारिश को उसको आभास हो जाता है, क्या सच्चाई है? नहीं, बारिश के मौसम या बारिश के आभास में दोनों ही उसमें ये फेवरेबल महसूस करता है, और उस वक्त ये नाचता है। टेम्परेचर एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इसमें, और जब इस तरह के शेड और धूप का एक नज़ारा सा बनता है तो ये काफ़ी अच्छा होता है उसके लिए। ऐसे थ्रू द ईयर आप देख सकते हैं कि मोर नाचता है, और ये एक प्रक्रिया है पूरी। ये अपने बच्चों को क्या खिलाता है? बच्चों को शुरुआती दौर में तो ये ऐसे टिपिकली ग्रेनी वोर है, लेकिन बच्चों को तो ये बीज खिलाता है, बीज स्पेशली घास के बीज खिलाता है ज़्यादा, लेकिन जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बहुत सारे इंसेक्ट को भी खिलाता है। मोर सांप को भी हमने देखा, सांप को मारते हुए देखा, मोर को सांप खा जाता है मार करके, बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट को मार के खाता है, जिसमें लिजर्ड है वो भी हमने देखा, लिजर्ड को खाते हुए हमने देखा। तो इनकी पॉपुलेशन घट रही है, बढ़ रही है? देखिए, इस ये थ्रेटन नहीं है, पॉपुलेशन स्टेटस इसका थ्रेटन नहीं है, और लिस्ट कंसर्न नहीं है, अगर देखेंगे तो लिस्ट कंसर्न है, लेकिन वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये शेड्यूल 1 प्रजाति है, और हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी, तो महत्वपूर्ण तो है। अच्छा, इसके मोर पंख बेचे जा सकते हैं? कानून के दायरे से परे है ये, कानून के दायरे के अंदर है, इसके मोर पंख बिल्कुल नहीं बेचे जा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि शेड्यूल 1 पक्षी होने के नाते ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना कि अगर शेड्यूल 1 का कोई पक्षी हो, अगर उसके अंग, उसके नेस्ट या उस पक्षी या प्रजाति को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है।